सागर के देवरी विकासखंड की ग्राम पंचायत खजूरिया के ग्रामवासी पिछले एक साल से पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। ठंड के इस मौसम में भी लोगों को पीने के पानी के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया गया तो गर्मियों के मौसम में वे गाँव से पलायन कर जाएंगे। देवरी ब्लॉक के खजूरिया गाँव में 10 हैंडपंप हैं, लेकिन अधिकांश हैंडपंपों में पानी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हैंडपंपों में पानी नहीं होने के कारण उन्हें 1 किलोमीटर दूर से नदी से पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र के पास एक हैंडपंप में पानी निकल रहा है, जहां पर दिन भर पानी भरने के लिए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की कतार लगी रहती है। पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे यहाँ के लोगों का दिन भर पानी खोजने में ही बीत जाता है, जिससे वह मजदूरी के लिए भी नहीं जा पाते हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि गांव के हैंडपंपों से कुछ ही दूरी पर खेत में निजी बोर हो जाने से गांव के सभी हैंडपंपों का पानी का स्रोत खत्म हो गया है। पानी की समस्या विकराल होने के कारण ग्रामवासी गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यदि गर्मियों तक पीने के पानी का इंतजाम नहीं किया गया तो पूरा गाँव पलायन करने पर मजबूर हो जाएगा। सर, पानी की बूंद ही नहीं निकल रही बिल्कुल। ये नल में कब से पानी नहीं है? 3 महीना से सर पानी नहीं है अभी भी। क्यों नहीं है इसमें? इसमें सर नीचे एक बोर होगा सर, उस कारण से जो पानी सब चलोगा पूरे नलों को। ग्राम पंचायत खजूरिया में पानी पीवे की समस्या है। सचिव हूँ, सुनाई कुछ सुन नहीं रहा। कब से समस्या आ रही? 3 महीना हो जा रहा। अच्छा, क्या कारण से समस्या खड़ी हो गई? सुनाई से भी कहती हुई नया है, वो एक पटेल को बोर भाव, उस कारण नलों को पानी चलोगो। हम सचिव हूँ, सुनाई से सुनते ही नहीं है। जो ही नदी से और मोए नलों से तो नलों में पानी नहीं है। हैंडपंप कर दे चलाते हैं नंजा। अच्छा, तो कितने खेत में बोर होगा सब पानी चलेगा, उनमें 4-6 नल चली गए। कई बार पंचायत सचिवों को समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन कोई समस्या सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कोई निराकरण की बात कर रहा है। शासन ने पंचायत द्वारा संचालित होने वाली नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव नल जल योजना के नाम पर हर साल लाखों रुपए निकाल लेते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है इसकी खबर किसी को नहीं है, लेकिन नल जल योजना बेकार साबित हो रही है। ग्राम पंचायत में पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत द्वारा 600 रुपये प्रति परिवार से नल कनेक्शन के जमा भी कराए गए हैं, लेकिन पानी के कोई इंतजाम अब तक नहीं किए गए। पानी की जो आ रही है कि 4 बजे से पानी भर भी जाते हैं और 12 बजे तक भर जाते हैं पानी। हाँ, खेती किसानी के काम भी नहीं कर पाते, मजदूरी कर पाते। मजदूरी की जटम हो गई, 9-10 बज गए, अब कुल हुआ जा रहा। तो का कारण से आ रही है समस्या? अब पानी है ही नहीं आते। अरे, मैं अवगत कराया गया है, जिसमें मैंने आज सचिव को बुलाकर और PHE के जो हेल्पर वगैरह उनसे चर्चा की, तो उसमें ये निकाला है कि वर्तमान में जो है वैकल्पिक व्यवस्था, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो रही है, तो हम एक बाजू में जो कृषक का जो है पंप है उसके बाजू में एक टंकी का निर्माण कर अस्थायी रूप से ग्रामवासियों को पेयजल की सुलभ सुविधा शीघ्र उपलब्ध हो, ऐसा प्रयास में 1 सप्ताह के अंदर करने का प्रयास कर रहा हूँ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।